एवरीवन, द फैशन आर्ट एंड डिजाइनिंग में आपका स्वागत है। आज मैं डोरी कैसे बनाई जाती है उसका वीडियो लेकर आया हूँ। तो देखिए डोरी का कटिंग कैसे करते हैं। डोरी बनाने के लिए यहाँ ज़रूर ध्यान दें। तो डोरी बनाने के लिए हमें कपड़ा कैसा चाहिए, जैसे ये सीधा कपड़ा है, ये आधा कपड़ा है, हमें क्रॉस कपड़ा चाहिए। इस तरह का कपड़ा हमें कटिंग करना है। तो देखिए डोरी के लिए कैसे मैं कटिंग करता हूँ। इसको क्रॉस कटिंग बोलते हैं या उरेब कटिंग भी बोलते हैं। तो जैसे ये पूरा मैंने मार्किंग कर दिया, ये आप देख सकते हैं, ये सीधा है, ये भी सीधा है और ये पूरा क्रॉस है। तो डोरी के लिए 1.5 इंच लेडीज कपड़ा कटिंग करना है। अब इसको काट लेना है। ये कटिंग हो गया, देखो कितना तिरछा कपड़ा है, ऐसा स्ट्रेच होता है। अब आइए देखते हैं ये डोरी को, इसको स्टिच कैसे करना है और कैसे पलटाया जाता है, वो मैं आपको मशीन पे बैठ के बताऊंगा। अब देखते हैं इसमें दबाव कितना लेना है। ये कपड़ा जो है सिंगल है उसको डबल कर देना है और हमें कैसे स्टिच करना है वो देखिए। स्टार्टिंग में हमें इतना चौड़ाई से स्टार्ट करना है और फिर ये कपड़ा को खींचना है और देखो कितना सिलाई लगाना है। ये जो दाब है इससे जहाँ मेरा नाखून है आधा दाब का सिलाई मारना है। इसमें दोस्तों कपड़े को खींच के ही रखना है। इसमें दबाव भी एक जैसा ही लेना है ताकि एक ही जैसी डोरी बने। ये सिलाई यहाँ पर खत्म हो गई। ये डोरी में सिलाई लग गई है, एक ही जैसी सिलाई लगी है। डोरी की सिलाई भी मैंने खींच के लगाई ताकि इसे खींचते वक्त ये सिलाई टूटे नहीं। अब देखते हैं जहाँ से मैंने शुरुआत की थी ये चौड़ाई भाग से, तो वहाँ से तिरछा काट लेना है इस तरह से। अब हमें डोरी पलटाने के लिए इतनी थोड़ी सी सिलाई निकाल देना है और इस सुई में मैंने धागा लगा दिया हूँ। और अब इसको कैसे लगाया जाता है तो देखिए, यहाँ से ऐसे लगाना है, सुई को निकाल देना है, वापस एक बार लगाना है और निकाल देना है। अब जो सुई है उसको उल्टा रख के ये कपड़े में जो सिलाई लगाई वहाँ अंदर से पास करना है और हमें जो सुई है वो दूसरी तरफ से निकाल देना है। देखो ये सुई निकल गई यहाँ से। अब जो सुई है उसका धागा यहाँ पे रख के ऐसे धीरे धीरे इसे हमें लगाते रहने। अब यहाँ से जो हमने डोरी पास किया है वहाँ से हमें इसको ऐसे करते जाना है तो अपने आप जो धागा है वो कपड़े को अंदर खींचेगा और हमारा अंदर कपड़ा जो है वो अंदर धीरे धीरे चलता जाएगा। देखिए ये कपड़ा यहाँ तक आ गया और मैं यहाँ से खींच रहा हूँ
देखो इस तरह से खींचना है, इसमें इतना ज़ोर से दबाव नहीं देना है कि यह जो धागा है वो टूट जाए। एकदम हल्का सा प्रेशर रख के इसको खींचना है। अपनी कोशिश यही रहनी चाहिए कि जल्द से जल्द ये जो कपड़ा है सबसे पहले ये बाहर आ जाए। अब ये बाहर आ गया, अगर ये धागा टूट भी गया तो भी कोई टेंशन नहीं, क्योंकि ये जो कपड़ा आ गया तो फिर आपकी डोरी आसानी से पलटने वाली है। ये देखो डोरी अपने आप पलटती रहती है। कपड़ा अगर क्रॉस में होगा तो ही डोरी बनेगी, सीधा कपड़ा या आधा कपड़ा में आप पलटाने जाओगे तो वो जल्दी पलटेगी नहीं। ये देखो कितनी आसानी से डोरी पलट गई है। अब ये देखो डोरी पूरी पलट गई है, ये सुई भी बाहर निकल गई। अब यहाँ से इसको काट देना है। अब आप देख सकते हैं जैसे मैंने 1.5 इंच कपड़ा कटिंग किया था क्रॉस में, अब ये डोरी पलटी हो गई। अब देखते हैं कि ये जो डोरी बनी है उसमें फुमता कैसे लगाया जाता है। अक्सर ब्लाउज में ये डोरी लगाई जाती है, पीछे ड्रेस में डोरी लगाई जाती है, तो जो डोरी बांधने वाली जो लगाई जाती है तो पीछे या जो डोरी का जो छेड़ा रहेगा वहाँ पे फुमता लगाया जाता है। तो फुमता कैसे लगाना है वो देखते हैं। तो जो ये कपड़ा है उसको चौरस कटिंग कर देना है। ऐसे आप फोल्ड करोगे और ऐसे काट लोगे तो पूरा चौरस कटिंग हो जाएगा। ये देखो अब इसके बाद ये फुमता बनाने के लिए क्या ध्यान देना है वो आप यहाँ पे ध्यान रखिए। जो कपड़ा है उसको इस तरह से मोड़ देना है, ये जो दो पॉइंट है ये सामने सामने मिला देना है, फिर वहीं पे ये जो डोरी का जो पॉइंट है वो रख देना है, फिर वापस जो कपड़ा है इसको ऐसे डबल में फोल्ड कर देना है। और ऐसे फोल्ड किया तब यहीं से हमें सिलाई मार देना है। ये देखो ऐसे सिलाई लग गई। उसके बाद ये कपड़ा जो है उसको घुमा देना है और वापस सिलाई चलाना है। फिर ये जो पॉइंट है ये वाला कोना ना निकले इसलिए इसको वापस ऐसे मोड़ देना है। ये देखो मैंने कैसे मोड़ा हूँ, वापस एक बार बता देता हूँ। ये जो पॉइंट है इसको इस तरह से मोड़ देना है और वापस सिलाई ऐसे लगा के यहाँ पे लॉक कर देना है। अब इस यहाँ से बाहर निकल जाना है और धागा काट के ये जो ज़्यादा एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको कटिंग कर देना है और ये भी यहाँ से कटिंग कर देना है। और ये बचा हुआ धागा काट के अब ये जो कपड़ा है उसको ऐसे खींच लेना है। तो देखो ये बन गया फुमता। आप देख सकते हैं कि फुमता कैसे बना। तो ये डोरी भी बन गई, डोरी के साथ फुमता भी बन गया। तो दोस्तों इस तरह के छोटे छोटे वीडियो हम लाते रहेंगे। तो दोस्तों इस तरह के कई सारे वीडियो, छोटे छोटे वीडियो, छोटी छोटी चीज़ें बनाने का वीडियो हम लाते रहेंगे। तो अगर ये डोरी बनाने का जो वीडियो आपको पसंद आया तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।